क्लासेस एफ जी ग्रामर स्कूल। आज हम करेंगे मैथ्स, लेक्चर है हमारा 10 और क्लास हमारी 3rd। 3 क्लास है, पेज नंबर 40 एंड 41 करेंगे। एक्सरसाइज 2A की हम पहले फ्रेंडली ब्लैंक्स करेंगे, 2 फॉल्स एंड देन MCQs करेंगे। ओके क्लास, द सम ऑफ 80,000 एंड 1,000, हम इसका सम करेंगे। सम कैसे करते हैं, इधर देख लीजिए, 80,000 सम मतलब प्लस करना। ओके, 1,000 जीरो से जीरो, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, 8 पे 1 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 9। तो वो हम यहाँ लिखते हैं, क्या हमारे पास आंसर आया, सम आया इसका 9,000। ओके क्लास, अब देख लीजिए, 4520 प्लस 3500 इज इक्वल टू, अब इसका भी हम सम करेंगे, 4520 3500, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, टू में जीरो प्लस किया टू, फाइव में फाइव प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 10। 10 हमने 1 यहाँ इसको बोलो दिया, जीरो हमारे पास यहाँ आया, 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 8, तो हमारे पास इसका आंसर आया 8020। हम इधर लिख देंगे 8020। ओके क्लास, अब देख लीजिए सी, सी में हमें क्या दिया हुआ है, 300 प्लस 1300 इज इक्वल टू डैश, 300 प्लस 1300 को प्लस करेंगे, 1300 प्लस 300 जीरो 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 एंड 3 में 3 प्लस किया हमारे पास आया 6, 1 प्लस किया 1 हमारे पास आया 1600। यहाँ लिखेंगे हम 1600। अब यहाँ देख लीजिए डी में हमारे पास क्या है, 1060 प्लस 1000 इज इक्वल टू, इसका भी हमें सम करना है, 1060 प्लस 1000 प्लस करेंगे सम करना हमें, 0 में 0 प्लस किया हमारे पास आया 0, 6 में 0 प्लस किया 6, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 1 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 2, तो इसका आंसर आया 2060। अब इधर देख लीजिए, इफ 25 इज एडेड टू 1975 द सम विल बी, इफ 25 अगर हम 1975 में एडिट करें 25 तो हमारा सम क्या आएगा, क्योंकि क्लास 5 में 5 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 10, 1 यहाँ बोरो जाएगा 0 हमने यहाँ लिखा, 7 में 2 प्लस करेंगे क्या होगा हमारे पास 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 1 यहाँ बोरो जाएगा 0 हमने यहाँ लिखा, सही। अब उसके बाद में यहाँ पे 9 में 1 प्लस किया हमारे पास आया 10, 1 यहाँ बोरो लेंगे 0 हमारे पास यहाँ आएगा, अब 1 में 1 प्लस किया हमारे पास आया 2, तो हमारे पास आंसर आया 2000, इसका सम आ रहा है 2000। ओके क्लास, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, फ्रेंडली ब्लैंक्स। अब हम करेंगे 2 फॉल्स, 2 फॉल्स में हमें क्या दिया हुआ है, पहले देख लीजिए, टू एड टू नंबर्स, वी एड फर्स्ट वन फर्स्ट, टू एड टू नंबर, वी एड फर्स्ट वन, टू एड टू नंबर्स एंड वी एड फर्स्ट वन फर्स्ट, मतलब हमारे पास टू डिजिट्स हैं, अगर उसमें 10 एंड 1 तो हम पहले 1 से फर्स्ट करेंगे, पहले यहाँ से हम सम करना शुरू करेंगे। ओके क्लास, तो ये बात हमारी ट्रू है, हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। ओके क्लास, अब सेकंड देख लीजिए, 4250 इज द सम ऑफ 31525 एंड 1025, हम अगर इन दोनों का सम करें मतलब प्लस करें तो ये हमारे पास हम इन दोनों को सम करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा। अब इसको हम प्लस करके देख लेते हैं, 3125 1025, सही। अब इसका हम सम करेंगे, 5 5 प्लस 10, 1 यहाँ बोरो गया 0 हमने यहाँ लिखा, 2 में 2 प्लस करेंगे और 1 का यहाँ बोरो था तो हम 5 लिख देंगे, 1 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आया 1,
थ्री में वन प्लस करेंगे हमारे पास आएगा फोर, हमारे पास आंसर आएगा 4150। लेकिन हमें यहाँ पे बोलना है कि हमारा आंसर आएगी 4250, तो ये बात हमारी फॉल्स है। यहाँ लिख देंगे हम फॉल्स। ओके, फिर उसके बाद देख लीजिए, व्हेन वी ऐड द नंबर वी स्टार्ट एडिट फ्रॉम द लेफ्ट। हम लेफ्ट साइड से तो हमेशा सम करना नहीं शुरू करते हैं, हम करते हैं राइट साइड से, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ओके क्लास, उसके बाद देख लीजिए, 100 मोर देन 6504 इज 6604। अच्छा क्लास, इसमें देखिए 6504 में अगर हम 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6604, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम इसमें 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, इट्स ट्रू। ट्रू लिखेंगे यहाँ पे। ओके क्लास, उसके बाद देख लीजिए, नंबर रिटर्न हॉरिजॉन्टली कैन बी एडेड। तो हमें इसमें ये बोलना है कि नंबर रिटर्न हॉरिजॉन्टली कैन बी एडेड, क्या हम हॉरिजॉन्टली में नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं? तो ये बात गलत है, हम हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं एंड वर्टिकली भी हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। सही क्लास, अब आ जाएगी एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ में दिया हुआ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके क्लास, ए हमें दिया हुआ है, ये हमें बॉक्सेस काउंट करने हैं, रिप्रेजेंट्स द नंबर्स, हमें ये रिप्रेजेंट, जितने हम बॉक्स होंगे उनको देखेंगे हमें कितने नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमें कर रहे हैं 214। आप ये काउंट करके लिखिएगा, मैंने काउंट किए हुए हैं। ओके, व्हाट इज एडेड टू 1700 टू मेक इट 2000। हम 1700 में कितने ऐड करेंगे कि हमारे पास 2000 बन जाए? तो हम इसमें करेंगे 300 ऐड, तो हमारे पास बन जाएगा 2000। 300 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये है इसका 145 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज 145। अब इसके काउंट करेंगे हम बॉक्सेस, तो इसमें ये बताने के 145 कौन से बॉक्स में है, तो ये हमारे पास, ये मैंने काउंट करे हुए, ये इसमें आएगा 145। सही, ये टोटल जो है बॉक्सेस ये 145 है। ओके, अब देख लीजिए, डी हमें दिया हुआ है 3910 एंड 2100 एड अप टू। सही क्लास, तो इसको हम करेंगे ऐड करेंगे 3910 एंड 3100 एड अप टू। तो इसको हम ऐड करेंगे कैसे, 3910 2100 को ऐड करा हमने, ज़ीरो में से ज़ीरो आया, ज़ीरो में ज़ीरो प्लस किया ज़ीरो, वन में ज़ीरो प्लस किया वन, नाइन में वन प्लस करेंगे टेन, ज़ीरो यहाँ जाएगा वन, इसका यहाँ बोरो जाएगा, थ्री में टू प्लस किया फाइव, फाइव में ये प्लस किया वन, तो हमारे पास आया सिक्स, तो हमारे पास आंसर आया 6010, तो हमारे पास ये रहा। यहाँ लिख देंगे 6010, यहाँ आपको बॉक्सेस काउंट करने थे, आप लोग बॉक्सेस काउंट कर लिएगा। ओके क्लास, अब लास्ट देख लीजिए, 1005 प्लस 2305 इज इक्वल टू, हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखा 1005 प्लस 3005, 5 में 5 प्लस किया 10, 0 यहाँ आया 1, इसका बोरो जाएगा। सही क्लास, अब 0 में 0 प्लस करेंगे 0, लेकिन 1 यहाँ हमारे पास बोरो था तो 1 लिख दिया हमने इसका यहाँ पे, 0 में 0 प्लस किया 0, 1 में 3 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 4, तो हमने इसको सम किया प्लस किया तो हमारे पास आया 4010। ओके क्लास, आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।